आज की वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए है जो अभी तक कुंवारी हैं, जिनकी फैमिली उनके लिए लड़का देख रही है और जो कुछ कमाती नहीं है, यानी कि जॉब नहीं करती हैं। ये वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए है। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि शादीशुदा जिंदगी आप लोगों की कैसी होने वाली है, आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगी अपने पति के साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी आप लोगों से कि आज के टाइम की जो सबसे बड़ी आयरनी है वो ये कि एक तरफ तो लड़कियां बराबर का अधिकार चाहती हैं लड़कों से और दूसरी तरफ वो कमाना नहीं चाहती। लड़कियों का इंटरेस्ट कमाने में नहीं होता, जॉब में नहीं होता। उनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो होता है एक अच्छा लड़का पाने में, एक ऐसे लड़का तलाश करने में जो लाखों कमाता हो ताकि उनको पूरी जिंदगी अच्छे से रख पाए, उनके शौक पूरे कर पाए। आप पहले ही अपने आप के बारे में ये दिखा देती हैं कि आप पूरी जिंदगी डिपेंड रहने वाली हैं और डिपेंड रहती हैं फाइनेंशियली। उसके बाद आप ये शिकायत करती हैं कि आपका पति आपको इक्वल नहीं समझता, बराबर का दर्जा नहीं देता। ये तो है सिर्फ उन लड़कियों के बारे में जो लड़कियां कमाना ही नहीं चाहती, जिनके लिए कमाना कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन सिर्फ पैसे वाला पति चाहती है। अब बात आती है कि अगर आप इस मेंटेलिटी की हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप याद रखिए कि अगर आप कमाती नहीं हैं और आप शादी करती हैं एक अच्छी खासी लड़के से, अच्छी खासी फैमिली में, आप नो डाउट घर में बहुत मेहनत करेंगी, घर संभालेंगी, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन घर आप कितना भी संभालेंगी ना, आपको कभी भी घर में वो इज्जत वो रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली जिसकी चाह आप रखती हैं, जो आप सोच रही हैं कि आपको मिलेगी, ऐसा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज जो आपके साथ में होगी वो ये कि जो आपका पति है आपके साथ में कभी भी अपने पैसों को लेकर कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करेगा। उसकी ज़िंदगी में उसकी पैसों को लेकर वो कितना कमाता है, कहाँ खर्च करता है, क्या करता है, उसके बारे में आपसे छुपाना ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। आपसे कभी भी कोई डिस्कशन नहीं करेगा, अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको इन्वॉल्व नहीं करेगा, आपकी एडवाइस नहीं मांगेगा, चाहे उसको कितना भी बड़ा डिसीजन क्यों ना लेना हो पैसों से रिलेटेड, क्योंकि उसके लिए आप वो इंसान होंगी जिसको इतनी समझ नहीं है, जो इतनी क्वालिफाई नहीं है। हालांकि आप बाय एजुकेशन आप कितनी भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, क्योंकि आप अर्न नहीं करती हैं, तो उसकी लाइफ में आप वही इंसान होंगी जिसको नॉलेज नहीं है, जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसमें समझ नहीं है पैसों की, तो आपको हमेशा इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तीसरी चीज जो आपके साथ में होगी वो ये कि अगर आपकी दौरानी या फिर जेठानी कोई भी वर्किंग है और आप वर्किंग नहीं है, तो जो इज्जत है ना, जो रिस्पेक्ट है, हमेशा उसको ज्यादा मिलेगी जो वर्किंग है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम ज्यादा करती है आप कम करती हैं, आप दोनों ही किसी से भी किसी भी चीज में कम नहीं है, लेकिन जब बात आती है अर्न की तो हमेशा अर्निंग हैंड ज्यादा रिस्पेक्ट पाता है और ये कड़वा सच है। जिन घर में दो लेडीज हैं, जहां पर एक अर्न कर रही है दूसरी नहीं कर रही है, उन लेडीज को जाकर पूछिए, वो ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। फोर्थ चीज जो आपके साथ में होगी वो ये कि आपके जो बच्चे हैं वो भी आपको कभी वो रिस्पेक्ट पे नहीं करेंगे जो रिस्पेक्ट वो अपने फादर को देंगे। और ये चीज कहने से पहले मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि एक बार आप सोचिए और बताइए कि आप अपनी मदर की कितनी रिस्पेक्ट करती हैं। हालांकि आप अपनी मदर से ज्यादा प्यार करती होंगी, ज्यादा जुड़ी हुई होंगी, फ्रैंक होंगी, लेकिन क्या आप अपनी मदर से कुछ कहने से पहले ये सोचती हैं कि ये शब्द नहीं बोलना है, इनको हर्ट हो जाएगा? क्या आप अपने शब्दों को बोलने से पहले तोलती हैं कि वो बोलने लायक शब्द है या नहीं है? आप अक्सर अपनी मदर पे चिल्ला देती हैं, उन पर अपना गुस्सा निकाल देती हैं, लेकिन ऐसा बिहेव कभी अपने फादर के साथ में नहीं करती। ये क्यों है? क्योंकि आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करती हैं, अपनी मदर की नहीं करती। ये कड़वा है लेकिन सच है। नेक्स्ट चीज जो आपके साथ में होगी वो ये कि क्योंकि आप अर्न नहीं करती हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड होंगी और हर वक्त आपको ताने जरूर सुनने को मिलेंगे। नो डाउट आपका पति आपको बहुत प्यार करता होगा, आप पर पैसा खर्च भी करता होगा, लेकिन इसके साथ ही वो आपको बराबर ये दिखाएगा कि वो कितना खर्च करता है, कितना पैसा कमाता है, कितना परेशान है, तुम कितना घर में फ्री रहती हो, बैठी रहती हो, तुम्हें कुछ काम नहीं है, तुम इरिटेट करती हो, तुम बोलती हो। इस तरह के ताने आपको अक्सर अपने पति से सुनने को मिलेंगे। अक्सर आपको दिखाया जाएगा कि आप कुछ नहीं करती हो, आपको नहीं पता कि पैसा कैसे कमाते हैं।
आप फिजूल खर्ची करती हो, इस तरह के ताने आपको पूरी जिंदगी सुनने पड़ेंगे अपने पति से। एट लास्ट में ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि आई एम नॉट सेइंग कि सारी लड़कियां ऐसी हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ऐसी ही हैं जो लड़कियां कमाती हैं, कमाने पर भरोसा करती हैं, जो अपने एक्सपेंसेस खुद उठाना चाहती हैं। ऐसी लड़कियों की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। मैक्सिमम लड़कियां वही हैं जो वर्क नहीं करना चाहती, कमाना नहीं चाहती, जो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है और उसी में प्राउड फील करती है कि उनका पति इतना कमाता है। और ऐसे ही लड़कियों से मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जब आप एक अच्छा सा लड़का चूज करती हैं और जब वो दहेज की डिमांड करता है, तो उस दहेज को देते हुए आप ये ना फील करें कि आप उस पर कोई एहसान कर रही हैं या फिर वो आपको टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि असलियत ये है कि आप जितनी महंगी चीज पर हाथ रखेंगी उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। आप खुद कुछ नहीं है, आपको एक अच्छा खासा कमाने वाला लड़का ही चाहिए, तो डिमांड भी वो वैसे ही करेगा। अगर आपको वो लड़का चाहिए ना, तो अपना लेवल यहाँ पर लेकर आइए। वो लड़का फ्री में आपसे शादी करेगा, इनफैक्ट आपके आगे गिड़गिड़ाएगा कि आप मुझसे शादी कर लो, लेकिन जरूरत है कि आप खुद की वैल्यू इतनी करें। अगर आप कुछ नहीं है और आपको लड़का बहुत कुछ चाहिए, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, और इसमें उसका फॉल्ट ना निकालें। डाउरी जो हमारे समाज में चलती है वो लड़कों को कंट्रोल करने से कम नहीं होगी, वो लड़कियों की एजुकेशन से कम होगी। जब हम लड़कियां कमाएंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, कुछ बनेंगी ना, तो हमें किसी को भी एक रुपया देने की जरूरत नहीं। सो जितना आप अपने लुक्स पर, दिखने पर ध्यान देती हैं, उससे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए अर्न करने पर, अपने आप को काबिल बनाने पर।